नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में और इंडियन सुपर लीग में मैच डे फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में। इंडियन सुपर लीग भारत की एक प्रीमियर लीग है जो फुटबॉल में खेली जाती है और इंडियन सुपर लीग में कुल 11 टीमें शामिल है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। एटी के मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी, चेन्नई एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी गोवा, हैदराबाद एफसी, जमशेदपुर एफसी, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ओडिशा एफसी। पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पे है केरला ब्लास्टर जिसके 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पे ओडिशा एफसी जिसके भी उसके भी 3 पॉइंट हैं, तीसरे नंबर पे चेन्नई एफसी 3 पॉइंट हैं, चौथे नंबर पे बेंगलुरु एफसी 3 पॉइंट हैं, पांचवे नंबर पे हैदराबाद एफसी 1 पॉइंट है, छठे नंबर पे मुंबई सिटी एफसी 1 पॉइंट है, सातवें पे एफसी गोवा 0 पॉइंट, अभी तक इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, आठवें नंबर पे जमशेदपुर एफसी कोई मैच नहीं खेला है इन्होंने, नौवें नंबर पे एटी के मोहन बगान इनके 0 पॉइंट्स हैं, गोल डिफरेंस माइनस होने इसके नौवें नंबर पे है, दसवें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इसके भी 0 पॉइंट है और ग्यारहवें नंबर पे ईस्ट बंगाल इसके भी 0 पॉइंट है। जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच मैच डे फर्स्ट के रिजल्ट देख लेते हैं। इन दोनों के बीच मैच हुआ था 11 अक्टूबर को और इसमें जमशेदपुर एफसी जीते जीते हार गया था ओडिशा एफसी से। पहले 9 मिनट में जमशेदपुर एफसी ने गोल कर दिए थे ओडिशा एफसी के और फिर वापसी करते हुए ओडिशा एफसी ने 3 गोल किए। देख लेते हैं जमशेदपुर एफसी की साइड से किसने गोल किए। डैनियल चोकाउ चीमा ने दूसरे मिनट में गोल किया और बोरिस थैंगजैम ने 9वें मिनट में गोल किया। पहले 9 मिनट में जमशेदपुर एफसी ने गोल कर दिए थे, फिर ओडिशा एफसी ने वापसी करते हुए 16 मिनट में डियागो मुरिशिया ने गोल किया, फिर 87वें मिनट में आइसेक वेनम लसवामा ने गोल किया और 90वें मिनट में डियागो मुरिशिया ने फिर से गोल किया। तो इस प्रकार ये मैच ओडिशा एफसी जमशेदपुर एफसी से जीत गया। हैदराबाद एफसी और मुंबई सिटी के बीच मैच हुआ था 9 अक्टूबर को जिसमें हैदराबाद एफसी और मुंबई सिटी एफसी 3-3 गोल से बराबरी पर रहे। हैदराबाद एफसी की साइड से किस किस ने गोल की। जाओ विक्टर ने 48वें मिनट में गोल किया, हॉली चरण नार्जे ने 50वें मिनट में गोल किया और जाओ विक्टर ने फिर से 75वें मिनट में गोल किया। और मुंबई सिटी की साइड से किस किस ने गोल किए। 22वें मिनट में कौनसाम सिंह ने, 66वें मिनट में ग्रैग स्टीवर्ट ने और 84वें मिनट में अल्बर्टो नॉर्गे ने गोल किया। तो इस प्रकार ये मैच 3-3 से बराबरी पर रहा। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। एटी के मोहन बगान और चेन्नई एफसी के बीच मैच खेला गया था 10 अक्टूबर को जिसमें चेन्नई एफसी ने एटी के मोहन बगान को 2-1 से हरा दिया था। पहले एटी के मोहन बगान ने लीड ले ली थी 26वें मिनट में मानवीय सिंह के गोल से, लेकिन वापसी करते हुए चेन्नई एफसी ने 2-1 से मैच जीत लिया था। और चेन्नई एफसी की साइड से 61वें मिनट में कामे कारी ने गोल किया और 81वें मिनट में रहीम अली ने गोल किया। तो इस प्रकार चेन्नई एफसी एटी के मोहन बगान से 2-1 से जीत गया। केरला ब्लास्टर और एससी ईस्ट बंगाल के बीच मैच खेला गया था 7 अक्टूबर को जिसमें केरला ब्लास्टर ने 3-1 से एससी ईस्ट बंगाल को हरा दिया था। केरला ब्लास्टर की साइड से एड्रिन लूना ने 71वें मिनट में गोल किया था और इवान कलिजियानी ने 81वें मिनट में और 88वें मिनट में गोल किया और एससी ईस्ट बंगाल की साइड से 87वें मिनट में एलेक्स ने गोल किया। तो इस प्रकार केरला ब्लास्टर 3-1 से एससी ईस्ट बंगाल से जीत गया। बेंगलुरु एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच मैच खेला गया था 8 अक्टूबर को जिसमें बेंगलुरु एफसी ने 1-0 से मैच जीत लिया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से। और बेंगलुरु एफसी की साइड से किसने गोल किया। एलन हेनरी कोस्टा ने 87वें मिनट में गोल किया था। तो इस प्रकार ये मैच बेंगलुरु एफसी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से जीत गया। तो ये थी जानकारी आईसीएल इंडियन सुपर लीग के बारे में मैच डे फर्स्ट के। धन्यवाद।